Here we are, we locked down in different cities, and our virtual connection for. हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका कविता के किचन में। तो आज हम बनाने वाले हैं कढ़ाई पनीर। तो इधर मैं बिना कोई बाहर का मसाला यूज़ किए बिना ही हम बनाएंगे, एक ही कढ़ाई में बनाएंगे। आओ बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने 3 प्याज ले लिया है, 2 टमाटर ले लिया है, 2 शिमला मिर्च ले लिया है। सबको मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा साइज में काट लिया है, और मैंने जो टमाटर के जो रहते हैं ना बीज के सीड्स, वो भी मैंने निकाल लिया है। उसके साथ मैंने 2 हरी मिर्च ले लिया है कम तीखा वाला, और 100 ग्राम मैंने पनीर ले लिया है। तो एक कढ़ाई में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल ले लिया था। इसमें जो रफली चॉप किया हुआ जो टमाटर प्याज और शिमला मिर्च है हमें डाल देना है। इसको हमें शैलो फ्राई करना है, जब तक इसका जो कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए ना, तब तक हमें इसको थोड़ा सा पकाना है, ढककर रख देना है। अभी कढ़ाई पनीर का मसाला बनाने के लिए मैंने इधर 3 चम्मच दही ले लिया है। इसके अंदर हम 2 चम्मच मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, फिर आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा हींग पिंच, और उसके बाद हम थोड़ा आधी चम्मच बेसन डाल देंगे, और आधी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। उसके अंदर हम थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, आधी चम्मच हम शुगर डाल देंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा पानी डाल के सभी मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी हमें ऊपर से कोई भी मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, हमारा कढ़ाई पनीर का मसाला रेडी है। हमारी सब्जियां है वो 80% पक गई है। अभी हमें गैस बंद करके इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देना है। अभी उसी कढ़ाई में हम पनीर भी फ्राई कर लेंगे, शैलो फ्राई करना है हमें उसका। जब तक थोड़ा सा कलर ना चेंज ना हो जाए ना, तब तक हमें शैलो फ्राई करना है। उसके अंदर हम मसाला भी कर लेंगे, यानी कि हमारे पनीर मसाले वाले हो जाएंगे। उसमें से थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल देंगे, आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधी चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, और उसके अंदर स्वाद लाने के लिए मैं थोड़ा सा मैगी मसाला डालूंगी। हमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैगी मसाला में भी ऑलरेडी नमक होता है, और हमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मसाले वाले पनीर तैयार है, गैस की फ्लेम बंद करना है अभी। ये जो प्याज टमाटर और शिमला मिर्च जो हमने शैलो फ्राई किए थे वो ठंडे हो गए हैं। अभी क्या करना है, इसको हमें मिक्सी जार में पीसना है, पर सबसे पहले इसमें से थोड़ा सा हमें निकाल देना है। इस पनीर के साथ ये जाएगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा मतलब हाफ उसका हम ग्रेवी बना लेंगे। इसके साथ हम डालेंगे थोड़े से लहसुन, थोड़ा सा ऑयल बच गया है तो हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। तो इसमें से थोड़ा सा पानी डाल के हमें पूरा ये मिक्सी जार है ना, उसमें से डाल देना है सब कुछ, और हमें इसका फाइन पेस्ट बना लेना है। तो प्याज टमाटर का फाइन पेस्ट तैयार हो चुका है, आओ अभी सब्जी बनाना शुरू करते हैं। अभी मैं एक पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल ले लूँगी। इसके अंदर हम दही वाला जो मसाला प्रिपेयर किया था सबसे पहले वो डाल देना है। उसको हमें एक ही डायरेक्शन में हिलाना है, और अभी इसको मसाले को हमें अच्छी तरह से 2 मिनट तक ढक के पकाना है यही पैन में धीमी आंच। उसके बाद हमें ये जो ग्रेवी मिक्सचर में हमने किया था प्याज और टमाटर का, वो हमने डाल देना है। अभी इसके अंदर थोड़ा सा रह गया है तो उसके अंदर मैं थोड़ा पानी डाल दूंगी, और इसके अंदर थोड़ा सा पानी मैंने ज़्यादा नहीं, 1 घूंट पानी लिया है। अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा सबको। अभी हमें इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रखो। हमारे जो ग्रेवी है और मसाला है अच्छे से पक गए हैं, ऑयल भी ऊपर आ गया है। इस अभी ना हम क्या करेंगे, ये जो रोस्ट की शैलो फ्राई किए हुए टमाटर प्याज और शिमला मिर्च और पनीर है, हम सब कुछ इसके अंदर डाल देंगे। देखो हमारा कढ़ाई पनीर सिर्फ 20 मिनट में तैयार भी हो गया, इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है। इसके अंदर हम थोड़े से कसूरी मेथी डाल देंगे, इससे ना बहुत ही बढ़िया स्मेल आता है। और गार्निश के लिए हम थोड़े से धनिया डाल देंगे। हमारी जो कढ़ाई पनीर की रेसिपी है वो तैयार है, आप ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा जब भी आपके घर पर मेहमान आए हो या फिर स्पेशल ओकेजन में। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीबॉडी। Here we are, we locked down in different cities, and I've heard.